हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी के समय आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी का पार्ट फोर। ये हमारी 1200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और जिसमें हम प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारे पार्ट फोर है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। इसके साथ साथ अब हम अनअकैडमी जुड़ चुके हैं, तो आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर स्टोरी एज के विस्तार, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन कर रहे थे और हमने पार्ट थ्री तक हमने 150 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 151 यानी 151 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंता तथा बायस्रावी दोनों हैं? तो कौन सी ग्रंथि है? तो यहाँ पे देगा यकृत ग्रंथि, पैनक्रियाज या फिर थायमस या फिर थायराइड। तो देखिए दोस्तों, जो पैनक्रियाज है ये अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। देखिए तो इसके बारे में जानते हैं, जो अग्नाशय है पैनक्रियाज है, अंतः तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है उससे एग्जोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें लीवर, तो ये क्या है, एग्जोक्राइन ग्लैंड एंजाइम स्रावित करता है। और उसके बाद बात करें हम वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों नलिकाओं के बारे में पता चल जाएगा कि एंडोक्राइन और एग्जोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर केवल ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे शरीर में क्या करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती है और विभिन्न जो क्रियाएं हैं शरीर की इसको नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस रोग है, तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ग्लूकागोन की कमी से होता है या इंसुलिन की कमी से या थायरॉक्सिन की कमी से, आउटपुट में से कोई नहीं, तो ये किसी कमी से होता है? तो ये होता है जो डायबिटीज है ये किसी कमी से होता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रक्त में हारमोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो यहाँ पे देखिए डिनर, मोनोमर, पॉलीमर या उपरोक्त सभी में। तो जो रक्त में जो हार्मोन्स होते हैं ये सभी तरह से होते हैं, यानी डिनर की तरह भी होते हैं, मोनोमर की तरह होते हैं और पॉलीमर, इन सभी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती हैं में अधिकतर होता है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें यहाँ पे देखिए एस्ट्रोजन प्लस FSH या फिर प्रोस्टोजन LH या FSH प्लस LH या फिर ऑस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन। तो इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रोजेन और प्रोस्टेरोन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ये ओवरी में पाए जाने वाले कार्पल्स ल्यूटियम से स्रावित होता है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। और देखिए इसका एग्जांपल जैसे स्तन का होना, मासिक चक्र यानी जो मैच्योरेशन जो प्रक्रिया है इसकी, इसका शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का होना, आवाज़ पतला होना, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और वहीं हम एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं में मैच्योरेशन साइकिल जो MC जो कहते हैं पर नियंत्रण रखता है तथा जननांगों का विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी यानी हार्मोफ्रोडाइट है होता है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे देख गए मधुमक्खी, एस्केरिस हो गया या फिर लीच हो गया या मक्खी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर जो सी दिया है जोंक, जो लीच होता है यानी जो जोंक होता है ये द्विलिंगी यानी हार्मोफ्रोडाइट होता है। और वैसे जंतु जिसमें मेल और फीमेल एक ही पर पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये इसके क्या हैं एग्जांपल हैं। जो केचुआ है इसमें भी जो मेल और जो फीमेल पार्ट है वो एक ही केचुए में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि केचुआ मेल अलग होता है और फीमेल केचुआ अलग होता है, ऐसा नहीं है। ये क्या होते हैं, ये एक ही होते हैं, ठीक है, इनमें दोनों पार्ट एक साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रजत मछली यानी जो सिल्वर फिश होती है एक क्या है, ये निडेरियम है, मछली है, क्रस्टेशियन है या फिर कीट है? तो जो रजत यानी जो सिल्वर मछली जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, इंसेक्ट होती है, ना कि ये मछली है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है उसमें लगाने के लिए कि कौन सा यहाँ पर मछली है, तो मछली नहीं है, जो सिल्वर जो मछली इसका नाम है ये क्या है, एक इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हाल ही में लुप्त पक्षी है, तो हाल ही में जो लुप्त पक्षी कौन सी है? तो यहाँ पे दिया गया आर्क्योप्टेरिस, टोडो, आर्की ओराइनिन या बस्टर्ड। तो कौन सी है? तो हाल ही में जो विलुप्त हुई जो है वो है टोडो।
ठीक है, टोडो है, और ये क्या है, मॉरिशस में पाया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे पाया था, तो ये मॉरिशस में पाया था। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करें ऑर्किप्टेरिस, तो जो ये पक्षी है ये सरीसृप बीच की कड़ी होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, यानी इसमें कुछ लक्षण तो पक्षियों के मिलते हैं और कुछ जो होता है वो रेप्टाइल यानी सरीसृप जो होते हैं इसके बीच की दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसके बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ना उड़ने वाला पक्षी है, तो यहाँ पे दिया गया था मोर, बत्तख, ईमू और हंस। तो देखिए दोस्तों, जो मोर है ये भी उड़ सकता है, बत्तख को भी अगर आप चाहें तो उड़ा सकते हैं, हंस भी उड़ता है, और लेकिन ईमू जो होता है ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पक्षी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कि ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा, ईमू है। मोर जो पिकॉप है ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम हाँ आपको पता होना चाहिए, पावो क्रिस्टेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कीटों का मुख्य लक्षण है, तो कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगें, संयुक्त नेत्र, कंपाउंड नेत्र, और 1 लंबा उदर यानी लॉन्ग एब्डोमेन, ठीक है। तो क्या होता है, कीटों का जो प्रमुख मुख्य लक्षण है वो है 3 जोड़ी टांगें, ठीक है, इसमें 3 पेयर लेग्स पाई जाती हैं, किसमें, कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बायोनॉमिकल नेमनक्लेचर यानी द्वि नाम पद्धति जो है इसके जनक कौन है, तो यहाँ पे डार्विन दिया गया, मेंडल दिया गया, लीनियस है, मेयर, तो कौन है इसके, तो ये है कैरोलस लीनियस, जो द्वि नाम पद्धति है कैरोलस लीनियस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो यहाँ पे दिया गया तंतुपट, 4 कोष्ठीय, हृदय, दांत विन्यास, या फिर अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, तो क्या है इसमें, तो जो स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स जो होते हैं इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 4, यहाँ पे लिखा गया 4 कोष्ठीय हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है, तो यहाँ पे दिया गया है ग्रासे गिल, डर्मल गिल, डर्मल गिल्स, डर्मल साल्क स्केल्स, या फिर युग्मित पक्ष जिसको कहते हैं पेरड फिन, या उपरोक्त सभी। तो मछली जो होते हैं इन सभी में ये सब चीज़ पाए जाते हैं, उसमें फिन भी पाया जाता है, स्केल्स भी और गिल्स भी होती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वेल एक स्तनधारी यानी मैमल्स है, क्योंकि हाँ, तो देखिए दोस्तों, वेल वैसे आप देखें तो वेल एक मछली है, आपने देखो, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको किस में रखा गया है, मैमल्स में रखा गया है, तो इसके लिए क्या कारण है, तो इसका है क्योंकि इसमें हमने बताया था अभी कि मैमल्स में क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, इसमें 4 प्रकोष्ठ हृदय होते थे, ठीक है, तो इस वजह से जो वेल मछली है इसको कहाँ रखा जाता है, मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उड़ान मछली यानी फ्लाइंग फिश है, तो एग्जोसिटस है, एशिया है, समुद्री घोड़ा है, या फिर एसी फेंसर है, तो कौन सी है, तो वो है एक्सोसिटस जो है, ये एक फ्लाइंग फिश है। जीव विज्ञान के जनक कौन है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो उनका नाम है अरस्तु। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के आधार इकाई है, तो जो इकाई होती है क्लासिफिकेशन की वो क्या होती है, स्पीसीज होती है, सबसे छोटी इकाई स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, तो कार्बनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में, या बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, तो जो ब्लड है ये जो रुधिर होता है, ब्लड होता है जी, CO2 किस रूप में लाता है, तो ये ले जाता है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लेक्चरर में और SSC वगैरह में यह पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है पे रुधिर स्कंदन ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा आवश्यक होता है, तो वो होता है CA पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों और दांतों में, या सभी कोशाओं में, तो जो फास्फोरस होता है शरीर में कहाँ पाया, तो ये अस्थियों और दांतों में यानी बोन्स और टीथ में फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये हड्डियों में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो दांत हैं दांतों भी हड्डी से बनी है और बोन्स भी, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मानव के लाल रुधिर कणों यानी RBC का जीवन काल होता है, तो RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है, तो होता है 120 दिन। शरीर की सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, तो सबसे बलशाली जो पेशी होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो जबड़े में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो स्ट्रांग होता है वो कौन सा होता है, जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो बाह्य कण का जो कठोर लचीला भाग जो बना होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, किसका, उपास्थि का बना होता है, और देखिए जो उपास्थि, उपास्थि का निर्माण जो होता है वो कंकाली संयोजी ऊतक से होता है, कनेक्टिव टिश्यू से होता है, या अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन के बने मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं। अस्थि एक ठोस
अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजक है जो तंतुओं के मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इसको कहते हैं टेंडन। टेंडन जो होता है ये मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ता है। इसके साथ साथ अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, इसको लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहता है? लिगामेंट। नेक्स्ट यहाँ पे मानव के रक्त का पीएच होता है, तो मानव के जो रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 7.4। ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ अम्लीय जो घोलक होता है उसका जो पीएच जो होता है उसको 7 से कम होता है, और उदासीन जो होता है वो 7 पर होता है, यानी जो जल है जैसे इसका पीएच 7 होता है। और वहीं अगर हम क्षारीय की बात करें तो 7 से अधिक होता है। एक आपने देखो होगा पीएच जो स्किल होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 पर उदासीन होता है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय और 7 से नीचे आने पर अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग रुकता नहीं तो इसका कारण निम्न में से कौन से एक दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है अगर ब्लड रुक नहीं रहा है? तो आरबीसी, रुधिर प्लाजा या लिम्बाणु या लसिका कोशिका। तो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, लिम्बाणु से कहते हैं। तो इसकी वजह से होता है ब्लड में, अगर हम बात करें तो ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल होता है और 10% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके साथ ही साथ प्रोटीन और मिनरल्स इत्यादि भी पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं एक प्रकार का WBC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन हैं जो रोगों से लड़ने में क्षमता करते हैं। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो रुधिर दाब जो होता है वो किसका नियंत्रण करता है? तो वो एड्रिनल का नियंत्रण करता है। और जो एड्रिनल जो मेडुला है इसके द्वारा एड्रिनल हार्मोन्स स्रावित होता है, जो इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। और एड्रिनल को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो ग्लाइकोजन है ये ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का पर क्या होता है कि तत्काल ऊर्जा मिलती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे रुधिर का थक्का क्लोट जमने के लिए आवश्यक है। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम जरूरी होता है रुधिर के थक्का जमने के लिए। नेक्स्ट है पे रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो वो होता है वाटर, जल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। तो कौन सा मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है सोडियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला जो ऊतक होता है वो होता है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और देखिए दोस्तों, संयोजी जो ऊतक जो होता है वो विभिन्न अंगों के ऊतकों से संबंध रखता है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो एपिथेलिया जो टिश्यू होती हैं इसमें भी जो ऊतक होता है वो अंगों को बाहरी परत और आंतरिक स्तर पर निर्माण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में एनाफिलीज को सर्वप्रथम खोजा था। तो सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ये खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। और इसके साथ साथ हम बात करें एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की भी, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज की थी। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिपेनोसोमियसी रोग का वाहक है। तो कौन होता है? तो वो होता है सीसी मक्खी। जो सीसी मक्खी होती है इससे ट्रिपेनोसोमेसिस जो होता है ये बीमारी होती है। ये एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जिससे क्या होती है? नींद के साथ बुखार आती है। ठीक है, क्या क्या आता है? नींद के साथ बुखार आता है। और सेंड जो मक्खी है, इसके अलावा सेंड मक्खी की बात करें तो ये कालाजर और परजीवी का वाहक होता है। और इससे तेज बुखार आता है तथा शरीर काला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोएन है। तो कौन सा है? तो वो है लिस्मानिया। ठीक है, लिस्मानिया जो है वो कालाजार के लिए उत्तरदायी है। मलेरिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुनेन निष्कासित की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो जो कुनेन जो निकाली जाती है वो किससे निकाली जाता है? वो सिनकोना के छाल से निकाली जाती है। नेक्स्ट है पे मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। तो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ पर हमला करता है? वो यकृत की कोशिकाओं में हमला करता है और इसके बाद रेड ब्लड सेल्स पर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा वाहक जोड़ा सही है? तो कौन सा सही है? तो वह है फैला लियोक्यूलेक्स जो है ये फाइलेरियोसिस होता है। ठीक है, वहीं अगर हम गृह मक्खी की बात करें तो ये हैजा से और सैंड फ्लाई से क्या होता है? कालाजर बीमारी होती है, जिसमें हमने कहा था कि शरीर काला पड़ जाता है।
हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या है, तो हाइड्रा एक जो होता है ये मांसभक्षी होता है, कार्निवोरस होता है। वैसे जीव जो मांस को खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं, जैसे बाघ, और वैसे जीव जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं उसको मृतोजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कवक हो गए। और वैसे जीव जो घास को खाते हैं उसको हर्बेरियस कहते हैं, और जो सबको खाते हैं घास और मांस को तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ओमनीफेरस कहते हैं, जैसे मनुष्य आ गया। और ऐसे जीव जो कीट को खाते हैं उसको इंसेक्टिवोरस कहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। तो ये तुच्छ स्रोत है क्योंकि क्या है इसमें लोहा का, किसका है, लोहे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एलिफेंटोसिस फैलता है, तो एलिफेंटोसिस जो होता है वो क्लू लेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, और जो एंटीलो एलिफेंटोसिस होता है फील पाँव फैलता है, ये इसकी मच्छर के द्वारा फैलता है। इस रोग में बाउचेरिया जो ब्रोंकोफिटी जो नामक जो होता है वो हेलमिंथस से होता है, ये बीमारी जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते, तो कौन सा है वो देखिए दोस्तों, तो वो है केचुआ। इसमें श्वसन अंग नहीं होते लेकिन ये श्वसन करता है क्योंकि ये शरीर से श्वसन करता है अपनी त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तेलचट्टे में श्वसन अंग है, तो तेलचट्टे में जो श्वसन अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रेकिया कहते हैं। तेलचट्टे में जो श्वसन अंग होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं। ये बड़े जीव जो लंग्स फेफड़ा में श्वसन करता है, जैसे मनुष्य, मेंढक, कुत्ता इत्यादि। मछली में जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, तो जो फाइलेरिया रोग है इसका संचरण किससे होता है, तो ये होता है क्यूलेक्स के द्वारा होता है। इसके साथ साथ हम अतिसार की बात करें डायरिया की, तो ये एस्केरिस के द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है, वहीं घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो ये फंगस से प्राप्त की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन सा यहाँ पे कीट नहीं है, तो अगर आप देखें तो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ये सब कीट हैं लेकिन बिच्छू कीट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे घरेलू मक्खी का लार्वा कहते हैं, तो घरेलू मक्खी के लार्वा क्या कहते हैं, तो इसको मैगट कहते हैं। उद्योग जो मक्खियों से संबंधित है तो वो कौन सा संबंधित है, तो वो है एपीकल्चर, जो मधुमक्खी से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, और मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। नेक्स्ट, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग में से संबंधित है, तो कौन सा है, तो वह है सेरीकल्चर, अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मधुमक्खियों में संचरण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो नाच के द्वारा। मधुमक्खी डांस करके क्या करती हैं, ये संचरण करती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग करती है, तो जो टीसी मक्खी होती है इसके द्वारा स्लीपिंग मतलब नींद ज़्यादा आता है ये करती है, अभी हमने इसको ऊपर बताया था आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लैग किसके द्वारा फैलता है, तो जो फ्लैग होता है ये जो फैलता है ये रेड फ्ली के द्वारा फैलता है, चूहा काटने से फैलता है, दोनों काटने से, उपरोक्त में से किसी की नहीं। जो फ्लैग होता है ये वेसिटस पेटियस नामक जीवाणु से फैलता है, और इसका संक्रमण जो होता है चूहे पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं इससे फैलता है ये। और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, तो ये फैलता है सैंड फ्लाई, अभी हमने बताया था, इससे पूरा शरीर जो होता है वो काला पड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार था आज हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। आपको वीडियो कैसे लगी इसके भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।